तो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो नई शुरुआत के साथ में। आज हम ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं अपनी फोर्ड फीगो का। गाइज, ये 2015 मॉडल है, डीजल गाड़ी है एंड NCR में डीजल गाड़ियाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये 2015 वेरिएंट है। आपको ये गाड़ी आराम से 2 से 2.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो ये गाड़ी देखना चाह रहे हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी वर्थ है बाय करने के या फिर नहीं। तो भाई, इसमें आता है डीजल इंजन 1400 cc का जो 70 BHP 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क लाता है। सबसे बड़ी बात यह है यार, डीजल लोग गाड़ी क्यों प्रेफर करते हैं, उसके माइलेज के लिए। शहर में माइलेज बहुत अच्छा है यार, 17 से 18 का एवरेज शहर में देती है और हाईवे पे तो क्या ही कहने, 25 का माइलेज देती है। बाकी यार, इस गाड़ी में ना खासियत बहुत ज़्यादा है। यूजुअली 2014-15 मॉडल की अगर आप स्विफ्ट लेने जाओगे, इसका जो कॉम्पिटिशन आता था वो आता था स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर। इस मॉडल की आपको स्विफ्ट लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के ब्रैकेट में पड़ेगी और ये आपको 2 से 2.5 लाख रुपए की बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बिक्री पड़ी है। पर इस गाड़ी के साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, जो इसका इंजन का चैम्बर है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो आपको एक सही परख सही नॉलेज होनी चाहिए इस गाड़ी को, कैसे आप लोग चेक करें और कैसे परखें। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, मैं आज भी ये कहता हूँ, अपने 1.5 से 2 लाख रुपए बचाओ और फोर्ड फीगो लो मार्केट में। बहुत सारे लोग डरते हैं कि फोर्ड, ये जो लोगो हमें दिख रहा है, फोर्ड इंडिया से भाग चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी सारे स्पेयर्स और सारे सर्विस सेंटर वर्किंग में है और मोस्ट प्रोबेबली फोर्ड अगले साल तक वापस भी आने वाला है। बाकी इस गाड़ी में जो वेट है वो लगभग 1150 किलो आता है। इस सेगमेंट की हर गाड़ी से, आज भी हर गाड़ी से लगभग 300 से 400 किलो ज़्यादा भारी गाड़ी है। बहुत टिक के चलती है, बहुत स्टर्डी और रोबस्ट है। आवाज़ सुन सकते हो यार, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अगर मैं इसके पॉजिटिव से शुरू करूँ, सबसे पहला पॉजिटिव मुझे ये लगता है इसका बिल्ड क्वालिटी, बहुत स्टर्डी चलती है यार, बहुत मजबूत गाड़ी है। दूसरी बात, इसका ट्रैक्टेबल इंजन यार इतना ट्रैक्टेबल है, पावर आपको सुनने में थोड़ी सी कम लगेगी बट पावर बिल्कुल भी कम नहीं है, शहर और हाईवेज के लिए बहुत सफिशिएंट पावर है। गाड़ी में वेट थोड़ा सा ज़्यादा है एंड एक और अगर मैं आपको इसका पॉजिटिव बताऊं, वो दोनों हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका इंटीरियर में हर जगह प्लास्टिक यूज है पर प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको कहीं कहीं पे फील होगा कि कोई लेदर नहीं है, कुछ नहीं है एंड इनफैक्ट जो स्टेयरिंग आता है वो भी लेदर स्टिच्ड नहीं आता है। और अगर मैं इसके पॉजिटिव की बात करूँ यार, इसमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट होता, जैसे हर गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट जरूर क्रिएट होता है, इस गाड़ी में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। एक और पॉजिटिव की बात करना चाहूँगा, मुझे पता नहीं था ये बात, मुझे अभी कुछ टाइम पहले पता चली, जो इसमें पेंट क्वालिटी है, फोर्ड की जो पेंट क्वालिटी है, ये वाटर बेस्ड पेंट होता है, ये नेरोलैक वगैरह की तरह नहीं है जैसे मारुति और टाटा हमारे एशियन पेंट्स यूज़ करती हैं या फिर नेरोलैक का यूज़ करती हैं। इसका जो पेंट है वो वाटर बेस्ड है, प्रॉपर अमेरिका से इम्पोर्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ग्लासोरेट का पेंट होता है क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, इसकी लाइफ और ड्यूरेशन नॉर्मल पेंट से ज़्यादा होती है। अगले हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इसके नेगेटिव्स क्या क्या है इस गाड़ी का। यार इस गाड़ी में देखा जाए तो नेगेटिव्स बहुत कम है क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये सेकंड हैंड मार्केट में मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कम है। 1.5-2.5 लाख रुपए में आपको 2.5 लाख रुपए में एट बेस्ट कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगी। ये भी समवॉट मुझे उसी प्राइस की मिली थी एंड बहुत कम चली हुई थी। अगर मैं आपको पहले नेगेटिव इसके बारे में बताऊं, वो है इसका सस्पेंशन। मैंने इतना स्टिफ सस्पेंशन आज तक किसी गाड़ी का नहीं देखा, कुछ ज़्यादा ही स्टिफ है भाई। एंड गड्ढों वड्ढों में तो यार प्रॉपर पता चलता है, इतने से जॉइंट्स भी होते हैं ना, वो भी इस गाड़ी में प्रॉपर फील होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोर्ड को अपने सस्पेंशन को इम्प्रूव करना चाहिए एंड सिर्फ फीगो के साथ में नहीं, मैंने इकोस्पोर्ट भी चलाई है, मैंने एंडेवर भी चलाई है, दोनों गाड़ियों के साथ में सस्पेंशन वाली प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसके अगले नेगेटिव की बात करूँ यार, इसका अगले नेगेटिव आ गया इसके टायर सेक्शन पे। टायर सेक्शन बहुत पतला है यार, सिर्फ 14 इंच का टायर आता है जबकि पूरे इसके कॉम्पिटिशन में हर जगह 15 या फिर 16। 14 इंच का टायर साइज डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा है और स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगले नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो यार मुझे लगता है इस गाड़ी में थोड़े फीचर्स की कमी है। इसका जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा मेन कंपटीशन था वो था स्विफ्ट एंड स्विफ्ट में इससे थोड़े से ज़्यादा फीचर्स ही आते थे, उसमें ABS भी ऑफर किया जाता था, EBD भी ऑफर किया जाता। और जो सबसे बड़ी बात थी, हर वेरिएंट के साथ में एक ऑप्शनल वेरिएंट आता था जिसमें एयरबैग्स को ऑफर किया जाता था। इसके सिर्फ जबकि टॉप लाइन वेरिएंट जो कि ZXI वेरिएंट आता था उसी में 2 एयरबैग्स आते थे स्टैंडर्ड एंड बाकी किसी भी वेरिएंट में एयरबैग्स नहीं आते थे। बाकी भाई लोग यही थे सारे इस गाड़ी के नेगेटिव्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, कुछ कुछ ही है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है यार, बहुत वेल प्रोपोर्शनेट है, बहुत वेल डिज़ाइंड है। ये ना मैं कहूँगा कोई बॉयज़ कार नहीं है, दिस इज़ अ शटल कार। अगर किसी को भी अपनी फैमिली के लिए लेनी है, रोज़मर्रा के काम के लिए लेनी है या फिर किसी को एक सेकेंडरी व्हीकल भी चाहिए, एक छोटा व्हीकल जो कि आप शहर में यूज़ कर सकें, दिस इज़ द बेस्ट कार फॉर यू, ट्रस्ट मी। एंड एक मुझे इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है यार, जनरली मैं एक ऑडियोफाइल हूँ और मेरे को गाड़ी लेते के साथ ही ना उसके स्पीकर चेंज कराने का बहुत शौक है। इस गाड़ी, दिस वॉज द फर्स्ट कार जिसमें गाड़ी में स्पीकर चेंज कराने की नीड ही नहीं पड़ी, जबकि फोर्ड ने कभी भी इस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं किया डैट वो इतने अच्छे स्पीकर्स देती है जैसे टाटा करती है, बट इस गाड़ी के स्पीकर्स इज वन ऑफ द बेस्ट। ये गाड़ी लगभग 7-7.5 लाख रुपए की ऑन रोड आती थी बट मैं इतना बेट कर सकता हूँ 20 लाख रुपए तक की कोई सी भी गाड़ी नहीं आती जो इसके स्पीकर या फिर ऑडियो क्वालिटी को मैच कर सके।
आपके पास में इस गाड़ी की ऑडियो का क्लिप आ जाएगा, आप खुद जज करके बताना मुझे इसका साउंड कैसा है। बाकी यार मेरे को कुछ नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई कमी है। इंटीरियर वाइज थोड़ी सी डर लगती है स्विफ्ट के कंपैरिजन में, बट बिलीव मी इसका प्लास्टिक क्वालिटी उन सबसे काफ़ी बेटर है। जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी, नहीं लेनी तो पॉसिबल ही नहीं है, बट सेकंड हैंड मार्केट में जिस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, दिस इज़ द बेस्ट कार अवेलेबल फॉर यू इन द मार्केट। इंजन बहुत रिलायबल है, बहुत मज़ेदार है, पावर इनफ है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पावर है या फिर अंडर पावर्ड है, बिल्कुल इनफ पावर है। माइलेज के साथ में यार हाईवे पर तो एक किलर मशीन है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। बताना ज़रूर आपको यह वाला रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही और रिव्यूज़ चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं मेरे को, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहें। सब के लिए